वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिस्ट। सो गाइस, इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू लिनक्स को अपने विंडोज पर, विंडोज 11 पर। यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरी विंडोज है और यहाँ पर हम उबंटू लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से। अब यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपके सिस्टम में 25 GB की फ्री स्पेस होनी चाहिए हार्ड डिस्क में, चाहे वो कोई सी भी हार्ड डिस्क हो, लाइक जैसे सी हो या डी हो, जितनी भी आपकी पार्टीशंस अगर हो रखी हैं तो कोई सी भी आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है जिसमें आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पर 7 GB का आपके पास इंटरनेट डेटा होना चाहिए, चाहे वो आपके वाईफाई से हो या आप मोबाइल का डेटा हो, आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन 7 GB का इंटरनेट डेटा आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग्स की 4 GB की रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम के अंदर मिनिमम। इसमें अगर 4 GB रैम है तब भी आप इसे कर लोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है। 4 GB रैम अगर आपके सिस्टम है तब भी ये बहुत परफेक्टली चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ कंसर्न भी होंगे आपके माइंड के अंदर। पहला कंसर्न तो ये होगा कि अगर हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो कहीं ये लैग तो नहीं करेगा या क्रैश तो नहीं करेगा। तो देखो, सिस्टम लैग बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जो उबंटू लिनक्स होता है उसे बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपके सिस्टम में रन होने के लिए। अगर इसे आप 1.5 GB भी रैम दे दोगे तब भी ये बहुत ही फास्ट चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये आपको लैग करेगा या कुछ आपको प्रॉब्लम्स देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो विंडोज है उसकी वारंटी एक्सपायर तो नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होगा, जब चाहो जब आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, इससे आपकी वारंटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तीसरा चीज़ ये है कि डेटा लॉस तो नहीं होगा, ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये इंस्टॉल होता है लेकिन आपके एक सॉफ्टवेयर की तरह, तो इसमें कोई भी आपके डेटा पर इफेक्ट ये नहीं डालेगा, कहीं से भी कहीं तक भी आपके डेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0% भी आपके डेटा पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज़ ये होता है, सिस्टम क्रैश तो नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, तो ऐसा ना तो आपका सिस्टम क्रैश करेगा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों ने इसमें क्वेश्चंस पूछे थे कि ये जो क्वेश्चंस हैं कि कहीं हमारा सिस्टम लैग तो नहीं होगा या वारंटी एक्सपायर तो नहीं होगी या डेटा लॉस तो नहीं होगा या सिस्टम क्रैश तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब चलते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से आप इसे इंस्टॉल करोगे, और वीडियो को पूरा देखना, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपकी इंस्टॉलेशन इसमें कराने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है और यहाँ पर कुछ चीज़ आपको चेक करनी है अपने सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको देखना है आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ इंस्टॉल होना चाहिए 2015 या 2022, इससे कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये सिस्टम में आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अगर सिस्टम में आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप कहाँ से करोगे, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो, 1 मिनट की वीडियो है, वहाँ से आप देख लेना। बेसिकली 90% लोगों का ये इंस्टॉल होता है, ठीक है। सो अगर आपका सिस्टम में नहीं है तो वहाँ से कर लोगे, 1 मिनट की वीडियो है, वहाँ से उसमें आप कर लोगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर आना है और आपको करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन और इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता करनी है, आपके सिस्टम का टाइप क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे सिस्टम का x64 बेस्ड है, तो ये पता कर लेना आपका सिस्टम का टाइप क्या, 32 बिट है या 64 बिट है। आज की डेट में 99% जो PC होते हैं वो 64 बिट ही होते हैं, ठीक है। सो अब आपको करना है क्या, अपना ब्राउजर ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है उबंटू लिनक्स डाउनलोड, इसे ओपन कर लेना है एंड फर्स्ट साइट को आपको इसे ओपन कर लेना है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से भी इसे यहां पर विजिट कर सकते हो। यहां पर देख सकते हो ये लेटेस्ट वर्जन है इसका 24.04.1 LTS, तो जो लेटेस्ट वर्जन है ये है उबंटू लिनक्स का। इसका साइज 5.8 GB का। अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर दिया है डुअल कोर प्रोसेसर होना चाहिए, 4 GB आपके सिस्टम में मेमोरी तब भी आप इसे कर लोगे, 25 GB की फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए। अब आपकी स्पेस चाहे सी में हो डी में हो, आप किसी में भी कर सकते हो, कोई इसमें ये फर्क पड़ता नहीं कि आप डी में करो सी में ही करोगे, आप डी में या ई, आप जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क है कहीं पर भी आप इसको कर सकते हो। सो गाइज, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह का कुछ विंडो आएगी और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हो चुका है डाउनलोड होना स्टार्ट एंड इसका जो साइज होता है वो 5.8 GB होता है, तो ये मैंने कर लिया है क्योंकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको करना है क्या, जैसे आपको वापस आना है और यहाँ पर आपको वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, इंटर कर देना। ये साइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से भी, सो विडमेट हो गया, वर्चुअल बॉक्स करना था मुझे, वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, आपको इस साइट को ओपन करना। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से भी आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। सो यहां पर हम इसे विंडो के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर आपको करना है क्या, आपको विंडो होस्ट पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे विंडो पर उबंटू लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा ये, एंड मैंने कर लिया इसे और यहां पर देख सकते हो ये भी 106 MB का होता है। तो दोनों चीज़ आप करने के बाद आपको करना क्या, जस्ट आपको डाउनलोड, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट
डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाना है, जहां पर आपकी जो डाउनलोड हुई फाइल है वो उसे जाना और सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेना। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड इसकी पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट कर लेना और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपको ये जो मैसेज दिया वार्निंग, इसकी आप प्रॉब्लम ये कोई भी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, ठीक है, इसकी आप टेंशन मत लेना, ये बस दे देते हैं, बाकी इसकी कोई प्रॉब्लम्स आपको आएगी नहीं, इस पर क्लिक कर देना आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है वो इंस्टॉल हो चुका है, मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये जो है फिनिश हो जाएगा, लॉन्च भी हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको दिखाएगा एंड मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। आपको करना है क्या, इसे ओपन कर लेना। अगर आपका इस तरीके से डेस्कटॉप आइकन भी आ गया होगा तो आप यहाँ से इसे ओपन करोगे, क्लिक कर दोगे इस पर तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको न्यू पे जाना है, यहाँ पर आपको अपने नाम लिखना है, ये आपका होस्ट नेम भी बनेगा, जैसे मैं कर देता हूँ उबंटू लिनक्स। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, इसमें आपको स्पेस नहीं देनी है, जैसे इस तरीके से आप नाम रखोगे तो ऐसा नहीं रखना आपको। अगर दो नाम रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से रखोगे, आपको स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ISO सेलेक्ट करना जो हमने 5.8GB का डाउनलोड किया है, उसे आपको डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जहाँ जिस फोल्डर के अंदर आपको उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। ये हमारा वो ISO है जो अभी हमने डाउनलोड किया है, इसे आपको ओपन कर लेना सिलेक्ट करके। दूसरी चीज़, अगर आप इसे विंडो सी में करना चाहते हो तो आपको इसे इसी तरह रहने देना, आपको ड्राइव जो है वो सी में होगा, अगर आप देखो यहाँ पर, तो क्योंकि जो इस वक्त सिलेक्ट है वो सी में है। सी में क्या है कि इसमें जो अगर आप GB देखो तो मेरा 24GB एम्प्टी है और इसमें जो है हमारा 96GB फ्री है, तो मैं विंडो डी में करूँगा। अगर आपको विंडो सी में करना है तो आप इसे जस्ट इसी तरह रहने दोगे, आप इसमें चेंजेस नहीं करोगे। अगर आपको किसी और ड्राइव में करना है तो आप इसमें चेंजेस करोगे, लाइक जैसे मुझे विंडो डी में करना है तो मैं विंडो डी में जाकर यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख दूंगा उबंटू लिनक्स, जो भी रख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा नाम आप रखना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको सी में करना है तो आप इसी में रहने देना, ठीक है, और अगर डी में अगर किसी और में भी करना है डी या ई तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अदर पर जाओगे, डी पर जाओगे और यहाँ पर आपको उबंटू लिनक्स सिलेक्ट करके ओपन कर लेना फोल्डर। अब यहाँ पर ना नेक्स्ट का ऑप्शन दिया होता है किसी किसी में, और किसी किसी में इस तरीके से देते हैं अटेंडेंट इंस्टॉल, तो अगर आपको उसमें नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपको ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला विजिबल हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिया होगा, तो दो ऑप्शन दिए होते हैं, एक नेक्स्ट का यहाँ पर बटन होता है जैसे फिनिश का, यहाँ पर नेक्स्ट का होता है, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट का नहीं है तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो है अटेंडेंट इंस्टॉल इसे भी करना हमें। तो ये पहला हमारा क्या यूज़र नेम है, आप यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, अब मैं हैकर रख देता हूँ, ठीक है। दूसरा, आप पासवर्ड भी चेंज करोगे, आपको पासवर्ड हमेशा याद रखना, ये आप लॉगिन करते हुए यूज़ करोगे, जब भी आप PC को ओपन करोगे तो वहाँ पर आप इसे यूज़ करोगे। मैं 1 से लेकर 6 तक डाल देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो, अगर आपने वहाँ पर स्पेस दी होगी तो आपको यहाँ पर एरर आएगी, यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने स्पेस नहीं दी है, ये जो हमने क्लिक किया ना इसपे स्पेस नहीं दी है। अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो वहाँ पर मुझे एरर दिखाएगा, देखो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो देखो एरर दिखा रहा है। सो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद आपका या तो नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा या फिर यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा, तो अगर नेक्स्ट का तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका ये वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर दे रहा है बेस मेमोरी। बेस मेमोरी क्या होता है, ये आपके सिस्टम की रैम होती है, मान लो आपके सिस्टम में 8GB रैम है, मेरे सिस्टम में क्या 8GB रैम है, इसने रोटेट करके यहाँ पर दे दिया कि जो आपका सिस्टम है उसमें 8GB रैम है, तो आपको ग्रीन लाइन जो दी है ना इसके अंदर अपनी रैम देनी है, जैसे मैं आधी से थोड़ी कम देनी है तो मैं 3500 देता हूँ। मान लो आपके सिस्टम में 8GB रैम है तो आप आधी से थोड़ी कम दोगे, अगर आपके सिस्टम में 4GB रैम है तो आप 2GB से थोड़ी सी कम दे दोगे, 1800 दे दोगे। ये MB में दिखाता है, 3500 MB का मतलब होता है 3.5 GB, और अगर आप इसे 4000 MB कर दोगे तो 4GB हो जाएगा, तो ग्रीन लाइन से थोड़ा कम देना आपको, देखो ग्रीन लाइन है ये, तो इसे थोड़ी सी आपको कम देना। ये दिया कोर प्रोसेसर्स, आपके सिस्टम में कितने कोर हैं आपको पता कर लेना, यहाँ पर आपको जाना है टास्क मैनेजर करना आपको और इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। परफॉर्मेंस में जाना आपको और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कोर्स, देखो मेरे सिस्टम में 2 कोर हैं, आपके सिस्टम में जितने भी कोर हैं वो यहाँ पर आपको देख लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में 2 कोर हैं तो उसके मैं आधा दूंगा, अब आधा कितना हो गया 1 हो गया। अगर आपके सिस्टम में 4 कोर हैं तो आप 2 दोगे, और अगर आपके सिस्टम में 2 कोर हैं तो आप 1 कोर यहाँ पर लोकेट करोगे, उसका सिस्टम का आधा कोर, जितने भी सिस्टम आपके कोर है उसके आधे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है और बाय डिफॉल्ट 1 सिलेक्ट होता है यहाँ पर, अगर आपके सिस्टम में 4 कोर है 4 कर 2 कर देना, और अगर आपके सिस्टम में 8 कोर है तो आपको 4 कोर सिलेक्ट करने, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में 2 कोर है तो मैं 1 कोर इसे सिलेक्ट करके दूंगा। इतना करने के बाद आपको हार्ड डिस्क करना, या तो आपके में नेक्स्ट का ऑप्शन होगा या आपका मैं हार्ड डिस्क का इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होगा, तो नेक्स्ट पे करोगे तो भी हार्ड डिस्क आ जाएगी,
अगर नेक्स्ट ऑप्शन दिया होगा तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया आपको, कितनी इसे हार्ड डिस्क एलोकेट करनी है जो स्पेस है। अब देखो मेरे डी ड्राइव में मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो डी ड्राइव में मेरे बहुत स्पेस है, लेकिन जो सी ड्राइव है उसके अंदर स्पेस कम है। तो यहाँ पर मैं इसने मिनिमम 25 GB ले लिया, आप बढ़ा भी सकते हो इसे, जैसे मैं कर देता हूँ 30 GB, मैंने इतना कर दिया इसे। इसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा, जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको इंटर करना है। यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा, कम से कम 2-3 मिनट लेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, कुछ बाद में इसमें चीज़ें इंटरनेट से इंस्टॉल भी होती हैं। सो अगर नहीं भी है तो कोई इशू पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1.5 मिनट लेगा, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये भी कम से कम 1-1.5 मिनट लेगा। सो गाइस आपको इस तरीके से कुछ एरर दिखाई देगी, ये एरर नहीं होती है ठीक है, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये 2-4 से 5 मिनट यहाँ पर रहेगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी ठीक है। ये कोई एरर नहीं होती, कभी आप सोचो ये एरर है और आप प्रॉब्लम्स कुछ फेस करो, ये कोई भी एरर होती नहीं है। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट इस तरह का इंटरफेस शो होता है, इसके बाद ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस दे देता है। अब इसके बाद आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी, ये कम से कम 3 से 4 मिनट रहती है, तो आप इसमें भी घबराना नहीं आपको ठीक है। और ये 4 से 5 मिनट या 6 मिनट या 10 मिनट भी रहती है किसी की, लेकिन 3 से 4 मिनट तो ये रहती है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो विजुअल है वो यहाँ पर हो जाएगा। सो गाइज आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस विजुअल हो जाएगा। अभी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है ठीक है, ये बस स्टार्टिंग है इसकी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन विजिबल होंगे, तो इस तरीके से आपको ब्लैंक स्क्रीन हट जाएगी और आपको इस तरीके से शो होगा। सो यहाँ पर आप व्यू में जाके इसको फुल स्क्रीन मोड पर कर लेना ठीक है, और स्विच कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड इसका आ जाएगा। फिर पेयरिंग उबंटू हो रहा है यहाँ पर भी कुछ टाइम लेगा, ये कम से कम 2-3 मिनट तो ले गई। और उसके बाद आपको व्यू पर अगर जाकर फुल के हटा दोगे तो ये फुल से हट जाएगा ठीक है, और हटा भी सकते हो, फुल पे आप व्यू पर ला भी सकते हो। सो गाइस यहाँ से हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है और ये कम से कम यहाँ पर 20 मिनट या 30 मिनट लेने वाला है, और 25 मिनट भी ले सकता है ये, और 30 मिनट या 40 मिनट भी ले सकता है, ये आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो इसने कम से कम 35 मिनट लिए थे, 35 मिनट्स ये कंप्लीट होने में, और इसमें कम से कम ये 20 मिनट से तो कम ये लेगा नहीं। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा फास्ट है तो ये हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट भी आपका ले सकता है। तो पेशेंस रखना, मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हमारा इंस्टॉल हो चुका, ये ऑटोमेटिकली अब रीस्टार्ट भी हो जाएगा, तो रीस्टार्ट में भी ये कम से कम 2-3 मिनट लेने वाला है। सो यहाँ पर ओपन भी हो चुका है ये, एंड अगर मैं इसे फुल पे कर दूँ, यहाँ पर व्यू पे जाके फुल मोड स्विच पे कर देंगे, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो वो पासवर्ड हमने वहाँ पर बनाया था, मैं इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा Ubuntu Linux ओपन हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से इसका आपको फेस दिखेगा। यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको करनी है इसमें, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये फुल स्क्रीन पर नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर शो ऐप पर आप क्लिक करोगे, इसे आप फुल मोड से हटा भी सकते हो। अगर आपको ये शो ऐप्स नहीं दिख रहा तो फुल मोड से मैंने हटा दिया इसे। आप नीचे आके ये जो ऑप्शन होता है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ पहले ऑप्शन भी देगा, व्यू चेंज लॉक दे रहा है ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट पे करोगे आप एंड इनेबल Ubuntu Pro तो आप स्किप कर देना ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस शेयर डेटा विद Ubuntu टीम, आप अपने डेटा को Ubuntu टीम के साथ शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर नो कर देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हो चुका Ubuntu। अब देखो ये ना आपका इस डिस्प्ले पे इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं इसे फुल पे भी कर रहा हूँ ना तो इसमें एक प्रॉब्लम्स आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसे स्विच कर देता हूँ, ये देखो फुल पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब करना है क्या, सबसे पहले मैं इसे फुल से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं व्यू पर जाऊँगा एंड फुल मोड से हटा देंगे इसको। यहाँ पर आपको नीचे आना है और आने के बाद ये जो आपको दिख रहा है शो ऐप्स पे आना है, सेटिंग्स पे जाना आपको एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पे जाना है, रेजोल्यूशन पे जाना है। तो अब आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, 1280 से लेकर 700 वाला कर सकते हो, अप्लाई पे क्लिक कर देना, जो भी आपके डिस्प्ले पे ठीक हो। कीप चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, उस पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना। अब ये हो चुका है, मैं अगर आपको दिखाऊं इसे, जैसे मैं फुल पे करूंगा, व्यू पे जाऊंगा एंड फुल पे कर देंगे, तो इस तरीके से परफेक्टली आ रहा है। तो जो भी आपका परफेक्ट बैठे उसे आप रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना। सो गाइस आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड इसे आप स्टार्टिंग से कैसे यूज़ करोगे, कैसे इसे स्टार्ट करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये टर्मिनल दिया होता है, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपके आ जाते हैं और ये टर्मिनल है इसका, बहुत फास्ट चलता है ठीक है, कोई ये लैग नहीं करता है और काफ़ी फास्ट आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको क्लिक करोगे, यहाँ पर इसका पावर ऑफ का बटन दिया है, पावर ऑफ कर देते हैं इसे पहले ठीक है, पावर ऑफ कर देंगे, पावर ऑफ। और इसे स्टार्टिंग से कैसे आपको स्टार्ट करना वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है। ये पावर ऑफ हो गया, मैंने कम्प्लीटली इसे एग्जिट कर दिया। मैं अगर आपको यहाँ से करूँ तो कम्प्लीटली मैंने इसे एग्जिट कर दिया।
सो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है। इसे करना है क्या, स्टार्ट करने के लिए आपको ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना है एंड आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लेता है ये स्टार्ट होने में, और 3 मिनट या 4 मिनट भी ले लेता है, लेकिन 1-1.5 मिनट तो ये ले गई। तो आपको कुछ इस तरह का विंडोज दिखाई देगी स्टार्ट होगा तो, आप जब भी इसे ओपन करोगे तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो इसे। सो यहाँ पर आपका इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन का, आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। आप इस पे अपने यूजर नेम पे क्लिक करोगे, आपको पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड डाल लोगे जो आपने वहाँ पर बनाया था, इंटर कर दोगे और आप लॉगिन कर लोगे एंड इसका यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर इस तरीके से आप फुल पे यहाँ पे कर लोगे, फुल मोड इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फुल मोड पे से। ये बहुत ही फास्ट चलता है, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। यहाँ पर इसका इस तरीके से दिया होता है टर्मिनल सिस्टम मॉनिटर, ठीक है, और इसका आप यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसका प्राइस जरूर दूंगा। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।